मध्य प्रदेश के शिवपुरी में जानकी सेना संगठन विश्व कीर्तिमान बनाने जा रहा है। 12 नवंबर को 12:12 पर शहर के पोलो ग्राउंड पर 11,000 लोग एक साथ सुंदरकांड का पाठ कर विश्व कीर्तिमान को रचाएंगे। संगठन के कार्यकर्ता विश्व कीर्तिमान बनाने के इस कार्य को लेकर जिले भर में तैयारियों में जुटे हुए हैं। रविवार को होटल मातुश्री में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम सिंह रावत, राष्ट्रीय संयोजक ब्रजेश सिंह तोमर और महामंडलेश्वर पुरुषोत्तम दास महाराज ने बताया कि कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर बैठकों का दौर जारी है। जिले भर में सुंदरकांड आमंत्रण यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। कार्यकर्ता घर घर जाकर पीले चावल देकर लोगों को आमंत्रण दे रहे हैं। शिवपुरी शहर के सबसे बड़े मैदान पोलो ग्राउंड को 10 कंपार्टमेंट जोन में बांटा गया है। इसमें जानकी वाटिका, किशकंधा पर्वत, हनुमानगढ़ी, कौशल्या धाम, लवकुश वाटिका, अवधपुरी, विश्वामित्र तपोवन, वाल्मीकि तपोवन कंपार्टमेंट के नाम दिए गए। यहां पर पत्रकारों के लिए अलग से नारद वाटिका के नाम से बैठक व्यवस्था की गई है। कैसे भी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जानकी सेना संगठन द्वारा, क्या कुछ कार्यक्रम है? जानकी सेना संगठन के तत्वाधान में आगामी 12 नवंबर के दिन ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। विश्व शांति की कामना से इस आयोजन में सुंदरकांड के में 11,000 से अधिक लोग एक साथ एक ही स्थान पर बैठ के सुंदरकांड का पाठ करेंगे। कहाँ कहाँ के लोग इसमें शामिल होंगे? तकरीबन 1,000 से अधिक लोग शहर से बाहर भी आएंगे, बाकी जो स्थानीय लोग रहेंगे जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित हैं। पार्किंग की व्यवस्था कहाँ की गई है? पार्किंग की व्यवस्था में शहर के अलग अलग 10 स्थान चयनित किए गए हैं जहाँ पर उन लोगों के वाहन पार्क होंगे। और जैसा कि आपने देखा कि स्थानीय पोलो ग्राउंड में पूरी एक बैठक व्यवस्था बनाई गई है, चूंकि बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है, तो जो पूरी बैठक व्यवस्था बनाई गई है उन्हें भी रामायण के नामों के आधार पर इसमें जोड़ के अलग अलग कंपार्टमेंट बनाए गए हैं। और इन कंपार्टमेंट में तकरीबन एक कंपार्टमेंट में 2,500 लोग बैठेंगे और इसमें तकरीबन 20,000 की बैठक व्यवस्था बनाई गई है। वर्ल्ड रिकॉर्ड से इसको जोड़ा जा रहा है कि इससे पहले भी इससे बड़ा कोई कार्यक्रम हुआ नहीं सुंदर ऐसा, इससे बड़ा आयोजन अभी तक कहीं भी ऐसा प्रकाश में नहीं आता कि जिसमें इतने सारे लोगों ने एक साथ बैठ के सुंदरकांड का पाठ किया हो। प्रशासन से इस कार्यक्रम के लिए स्वीकृति मिल गई है? पूर्ण स्वीकृति मिल चुकी है।